इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल के बीच में जो 7 मई को मैच हुआ था उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल को 20 रनों से हरा दिया था। लेकिन इस मैच में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। संजू सैमसन के आउट होने के तरीके पर जमकर बवाल हुआ है और इस दौरान संजू सैमसन की भी एम्पायर से काफी कहा सुनी हो गई। इस मैच में संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 86 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उनकी पारी में 8 चौके शामिल हैं और इस दौरान संजू सैमसन का जो स्ट्राइक रेट था वो 186 का रहा है। संजू जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी टीम को 222 का टारगेट चेस करवा देंगे, लेकिन जो लिखा है वो होके ही रहेगा क्योंकि 16 ओवर में मुकेश कुमार की चौथी गेंद पर बाउंड्री लाइन पर शाई होप के हाथों कैच वो आउट हो गए। संजू सैमसन के इसी आउट होने के तरीके पर जो है कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। दरअसल संजू सैमसन का मानना था कि शाई होप ने कैच पकड़ने के दौरान बाउंड्री लाइन को टच कर लिया था, लेकिन जब ये फैसला थर्ड अंपायर को गया तो थर्ड अंपायर ने संजू सैमसन को आउट दे दिया। लेकिन वो आउट होने के बावजूद जो है रास्ते में वापस आ गए और इसके बाद उन्होंने मैदान पे जो है अंपायर से बात की और इस दौरान माहौल काफी तनातनी वाला हो गया था। वहीं संजू सैमसन के आउट होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ चंडलन का रिएक्शन भी काफी चर्चा में रहा। जैसे ही संजू सैमसन ने फैसले को लेकर मैदानी अंपायर के सामने आपत्ति जताई तो जिंदल ने उन पर आउट है चिल्लाना शुरू कर दिया।